15th ऑफ फेब्रवरी को हॉलीवुड वाले नखरे। सो पहले तो मैं सीधा गाने की बात कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और गाना हॉलीवुड वाले नखरे, बहुत ही प्यार मिल रहा है गाने को, फीचरिंग सनी लियोनी। सो मेरा डेब्यू गाना है और सनी है गाने में, जो कि हमारे लिए मैं बोलूँगा कि मेरा बहुत ही भाग्य, मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, हिंदी में अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इट्स माय गुड फॉर्चून कि सनी है उसमें। और ये हमारे प्रोड्यूसर हितेंद्र कपोपारा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एच के फिल्म्स, जिन्होंने मेरे को लॉन्च किया एज अ सिंगर, और थैंक यू सो मच, जो कि मैं इनको कर करके थक गया हूँ अभी, थैंक्स बोल बोल के। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, बहुत प्यार मिल रहा है, और इसीलिए हमने, दैट इज़ द रीज़न हमने सोचा कि यार कीप ऑन, लेट्स नॉट यू नो स्टॉप हेयर, लेट्स कीप ऑन प्रमोटिंग द सॉन्ग, क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो हम रिलीज़ के बाद भी गाने को प्रमोट कर रहे हैं। और हमें ये है कि ये घर घर तक गाना पहुँचे, लोग इतनी इसकी यूथफुल स्पिरिट है। गाना ग्रीस में शूट हुआ है और यस, बाकी आप और पूछ लो और जो भी आपका क्वेश्चन है। लोग ने छोटे स्केल से स्टार्ट किया था गाने के लिए, एंड जस्ट म्यूजिक रेडी हुआ तो मैं सनी और डैनियल को लाइक बताने गया कि आई एम मेकिंग अ म्यूजिक वीडियो एंड ऑल। फिर मैंने बोला कि लाइक इफ सनी होती थी तो बेस्ट होता, तो डैनियल ने बोला कि ऑफकोर्स लाइक हम लोग तुम्हारे लिए हमेशा रेडी है, हाँ बोल दे खाली। तो मैंने बोला ऑफकोर्स वो अच्छा हो जाएगा, सनी आ जाएगी, तो उसने हाँ बोल दिया। और फटाफट सबके वीज़ा लगाए, हम लोग ग्रीस गए शूट करने के लिए, आए हम लोग ने रिलीज़ किया, सो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और जी म्यूजिक ने वीडियो रिलीज़ किया है, तो यस वेरी नाइस। दोस्त है जितेंद्र, इनका गाना मैं जब सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर बाद में मैं बोला भाई को कि कुछ इसको और प्रमोट करना चाहिए, हर जगह पर प्रमोट करना चाहिए, जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब के ऊपर जो लोकल चैनल्स होते हैं तो उस जगह पर आज प्रमोट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा और गाना सुन के भी बहुत अच्छा लगा। जी जो टाइटल है वो गाना बनने के बाद डिसाइड हुआ, और टाइटल भी बना, मेरे को लगता है कि हर गाना जब भी बनता है कोई, उसकी एक अपनी उसकी किस्मत होती है, तो ये गाना आई थिंक इट बिलोंग्स टू सनी लियोनी। सो उनके ऊपर ये गाना इतना एप्ट था कि हालांकि सनी को बाद में गाने का पता चला, बट गाना जब हमने सुना एंड हमने विजुलाइज किया, कॉन्सेप्ट डिसाइड हुआ कि ये गाना यहाँ पर शूट होगा सनी के ऊपर, ऐसे इसको हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, तो हमें लगा कि यार ये तो मतलब एक्चुअली सनी के लिए ही है, क्योंकि हॉलीवुड वाले नखरे ऑल द वे फ्रॉम द US, वो US से यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये गाना हमें वहाँ से हमें लगा कि यार ये गाने का नाम यही होना चाहिए, हॉलीवुड वाले नखरे, क्योंकि ये एक्चुअली इसका कहीं ना कहीं कोरस भी है, ये रिपीट हो रहा है लाइन गाने में बार बार, तो ऐसे ही सबने, ये एक्चुअली टीम, मेरे को लगता है टीम वर्क है, सो टीम जब बैठती है तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, तो सब टीम ने मिलके ही डिसाइड किया कि ये नाम हॉलीवुड वाले नखरे ही होगा। उसको बोला कि हम लोग ये गाना कर रहे हो, सबसे एक्साइटेड वो थी कि ग्रीस जाएंगे, ऐसा शूट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, यहाँ से ये करना, तो सबसे लाइक इतने एक्साइटेड थी कि वो ग्रीस आने के बाद भी उसने इतना ज़्यादा किया कि ओके ये करते, यहाँ पे जाके यहाँ पे शूट करते, मैं यहाँ पर टाइम पे लाइक और ज़्यादा शूट करो, ये करो, ग्रीस आए तो ग्रीस को एकदम अच्छी तरह से दिखाओ, तो सनी बहुत एक्साइटेड थी वीडियो के लिए। आपसे ग्रीस पहले से था या ग्रीस नहीं? ग्रीस हमारे माइंड में था, यू नो जस्ट एक ग्रीस जाके शूट करते हैं समथिंग ऐसा, बट सनी आई फिर उसके बाद हम लोग एकदम श्योर करते अभी तो ग्रीस ही जाना है, सनी ने हाँ बोल दिया तो ग्रीस ही जाना है, फिर गाना बड़ा बन गया सनी आने के बाद, गाना बहुत बड़ा बन गया बिकॉज हम लोग को लगा था हॉलीवुड वाले नखरे का जो टाइटल था ना, वो फिर इंडिया में ये वो नहीं था कि हॉलीवुड लोग फॉरेन लोकेशन दिखाए ये सब, तो हम लोग को पहले था कि अब्रॉड जाके शूट करें, स्टाइल्स वैग एंड ऑल सनी का एंड ऑल द हाउ द ब्यूटी शॉट्स एंड वो लाइक नखरे। एक्चुअली मेरे को लगता है म्यूजिक जो है वो यू नो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और म्यूजिक ऐसी चीज़ है मेरे को लगता है कि वो हर एज ग्रुप का बंदा सुनता है, वो चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब सब हर एज ग्रुप एंजॉय करता है। और ये जो हम आप बोल रहे हो कि हॉलीवुड वाले नखरे क्या है, एक्चुअली मेरे को लगता है कि ये भी एक वही उसी इंडस्ट्री का पार्ट है, वही वो जो अदाएं हैं सनी लियोनी की, जो एक्चुअली मैंने उनके साथ शूट किया है, बट मैं खुद गाने को इतना एंजॉय करता हूँ उनकी, मैं अदाकारी को देखते हुए मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ वीडियो जब भी देखता हूँ, तो मेरे को भी है कि व्यूज़ भी बढ़ जाए यार, मैं बार बार यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। एक्चुअली मेरी जब हम जा रहे थे शूट के लिए तो बहुत ही वो मिक्स फीलिंग्स थी कि एक्साइटेड मैं बहुत था और नर्वस भी था कि अभी सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी टीम की मेरे से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी सनी लियोनी है गाने में, तो मेरे को अपना 100% नहीं 200% देना है, मतलब हर साइड से एज अ सिंगर कम एक्टर,
और तो मैंने अपना मतलब मैंने यही सोचा था कि यार कि ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती नहीं है. इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हितेंद्र कपूरपारा HK फिल्म्स, एंड मैं बार बार वही इनका थैंक्स करता रहता हूँ कि इन्होंने मेरे पे विश्वास रखा. रोमांस, आई थिंक सनी के साथ तो रोमांस मेरे को लगता है कि चाहे उनके साथ कोई वीडियो में शूट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कोई उनकी वीडियो जब उनको कोई स्क्रीन पे देखता है ना, तो उसको भी ये लगता है कि यार मैं मतलब मैं इनके साथ रोमांस कर रहा हूँ. उनकी यू नो उनका ऐसा उनका ऑरा है ऑन स्क्रीन, वो इतनी मेरे को लगता है उनका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है हॉटनेस का, क्यूटनेस का, सब कुछ है. सो वो फुल पैकेज है. मैं तो डर रहा था सनी को पूछने के, मुझे शर्म आ रहा था कि मैं क्यों कैसे पूछूं. आई नो, बट मैंने डैनियल को बोला था. डैनियल बोले, अरे वी आर योर फैमिली मेंबर, उसने लिखे गो एंड टेल सनी कि यू हैव टू डू दिस वीडियो. मैंने बोला लाइक यू नो जैसे ये वीडियो है, तो सनी ने बोला कि ऑफकोर्स तुझे बोलना चाहिए, हम लोग करेंगे तेरे लिए, सपोर्ट करेंगे, एक नहीं 10 वीडियो करेंगे, लेट्स गो एंड शूट. क्या नहीं सर, उस दिन मैं आई वॉज द हैप्पीएस्ट, यू नो आई वॉज यू नो लिटरली मैं भगवान के आगे मैंने हाथ जोड़े कि थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी आर्टिस्ट के साथ मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है. और मैंने इनको बार बार उस दिन बोला कि यार थैंक यू सो मच. वॉट तेरे हॉलीवुड वाले नखरे दा एक माल जेड़ा मुंडिया दा माइंड करी जांदा है बलो, तेरे कैली वाले स्वैग ने भी कीता है बवाल जेड़ा मुंडिया दा माइंड करी जांदा है बलो.